अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा साइंस का लेक्चर 3 स्टार्ट होने जा रहा है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। इससे प्लांट्स पहले एंड एनिमल्स आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी इनहेबिटेंट्स ऑफ आवर वर्ल्ड। देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स की जो लाइफ होती है ना, वो आसान नहीं होती एज कम्पेयर टू ह्यूमन। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को जीने के लिए क्या चाहिए? प्लांट्स को जीने के लिए सबसे पहले आपका सनलाइट ज़रूरी है, ठीक है। अगर उसके पास सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा और अपने लिए फूड नहीं जनरेट कर पाएगा। एनिमल के लिए क्या ज़रूरी है? एनिमल के लिए पूरा फूड चेन और फूड वेब ज़रूरी है। फूड चेन मतलब एनिमल्स किसको खाता है? एनिमल्स एक तो पेड़ पौधों को खाता है, दूसरा अगर उसके नीचे कोई दूसरे एनिमल्स है उनको खाता है, तो वो होना ज़रूरी है। तो उनके लिए एक इकोसिस्टम होना ज़रूरी है। इकोसिस्टम मतलब वो तौर तरीके, वो चीज़ें होना ज़रूरी है जहाँ पे वो हैबिचुअल यानी कि रहने लायक बना सके। चलिए अब हम इसके थ्योरी में देखते हैं। देखिए, जैसे कि एक डायग्राम है, इसमें बहुत सारे क्या हैं? एनिमल्स हैं, बहुत सारे क्या हैं? प्लांट्स हैं। इसी तरीके से ये एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम बन गया, यानी कि ये जगह जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए रहने लायक है। इन्होंने इस टाइप से इस चीज को बना लिया। अब देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी इनहेबिटेंट्स ऑफ अवर वर्ल्ड। इसका मतलब ये है, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं नॉट जस्ट ऑर्डिनरी इनहेबिटेंट्स, यानी कि उतना आसान नहीं है उनके लिए रहना। दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर इकोसिस्टम, शेपिंग द एनवायरमेंट एंड सस्टेनिंग लाइफ एज नो वी इट। जो अभी मैंने समझाया था, ये वही चीज है। This exploration will open your eyes to the wonders of the natural world and provide you with a deeper understanding of the interconnectedness of all living things. यानी कि ये क्या है? Interconnectedness है, मतलब एक दूसरे पर depend है। Plants और animals एक दूसरे पर depends है, क्योंकि animals जो होते हैं बहुत सारे, वो क्या खाते हैं? Plants खाते हैं, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, Plants को क्या जरूरी है? Plants को grow करने के लिए जरूरी है आपका खाद, जिसे हम बोलते हैं मैच्योर, यानी कि जिसमें खाद होती है हमारी, वो जरूरी है, मैन्यूर। और खाद किससे मिलेगी? खाद मिलेगी हमें एनिमल से, ठीक। तो प्लांट्स और आपका एनिमल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेडनेस है, और वो एक दूसरे से क्या करते हैं? शेयर करते हैं, यानी कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं एनिमल से ले लेता हूँ, और जो चीज़ एनिमल को चाहिए वो प्लांट से ले लेता है। यही हमारा क्या है, प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। अब हम क्या जानेंगे? प्लांट्स और ट्रीज के बारे में जानेंगे। प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब देखो, हम सीधा इसे डायग्राम के जरिए समझेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पहला आता है मेरे पास हर्ब्स। हर्ब्स क्या होती हैं? हर्ब्स के अंदर क्या होता है? नॉन वुडी स्टेम होता है, यानी कि जो लकड़ी होती है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिसकी लकड़ी बनाई जा सकती है बाद में, उसके अंदर जो उसका स्टेम यानी कि उसका तना होता है, वो लकड़ी नहीं होता है, नॉन वुडी होता है। देखिए, स्मॉल प्लांट्स विद अ नॉन वुडी स्टेम, ये जो इसकी तना है वो लकड़ी नहीं है इसके अंदर, वो नॉन वुडी है। देख लिया आप, ये छोटे छोटे पत्तियां होती है, इसको हम बोलते हैं हब्स। ये एक टाइप्स का हमारा प्लांट्स हो गया। दूसरा देखिए, शिरप्स। शिरप्स जो होती हैं आपने देखा होगा जंगलों में, वो झाड़ियाँ टाइप की होती है, उनको हम बोलते हैं शिरप्स। अब देखिए, इसके अंदर क्या होती है? मीडियम बिशी प्लांट्स विद मल्टीपल वुडी स्टेम्स। इसके अंदर मल्टीपल वुडी स्टेम्स होती हैं, यानी कि बहुत सारी झाड़ियाँ टाइप की पतली पतली सी क्या होती है? वुडी स्टेम्स होती है। फिर आता है हमारे ट्रीज। ट्री क्या होता है? सबसे मेन होता है, और ये क्या है? इसका एक मेन क्या होता है? ट्रंक होता है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा होता है, पेरिनियल मतलब चारों तरफ से फैला हुआ होता है, और इसके अंदर क्या होता है? वुडी स्टेम होता है। वुडी स्टेम मतलब इसे काट के, इसकी लकड़ी बना के, और फर्दर आगे यूज वुडन काम के लिए हम यूज कर लेते हैं, जैसे टेबल बनानी हो, मेज बनानी हो, घर का फर्नीचर बनाना हो, वो इस पेड़ को काट के हम यूज करते हैं। ये हो गए हमारे ट्रीज। और इसके अंदर क्या आते हैं? फ्रूट्स आते हैं, इसके अंदर फ्लोवर्स आते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं आता। तीन टाइप होते हैं हमारे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं शाकाहारी, जो किसे खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस क्या होता है? पहले पढ़ लेते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? कार्निवोरस वो होते हैं जो पेड़ पौधों को, मतलब आपका जानवरों को खाते हैं, वो हो गया हमारा कार्निवोरस। और ओमनीवोरस क्या हो गया? ओमनीवोरस वो होता है जो पेड़ पौधों को भी खाता है और आपका जानवरों को भी खाता है, लाइक हम हो गए, और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और आपका जानवरों को भी खाते हैं। ये चलिए एक बार हम इसके डायग्राम को देखते हैं। देखो, ये क्या है? ग्रीन प्लांट्स। इस ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। ये अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। अब इसको कौन खाता है? हर्बीवोरस खाते हैं,
और ओमनिवोरस भी खाते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स को हम भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स वो भी खाते हैं, और हर्बीवोरस जो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड होते हैं उसको भी खाते हैं। अब आता है कार्निवोरस, कार्निवोरस सिर्फ और सिर्फ इसको खाता है, यानी कि दूसरे एनिमल्स को खाता है, जैसे भेड़िया हो गया, शेर हो गया, वो सिर्फ किसका खाएगा, वो हर्बीवोरस को खाएगा।